जरा सोचिए, अगर कोई आपको हर सुबह 86,400 रुपए दे, बस एक शर्त के साथ कि जो भी आप खर्च नहीं कर पाएंगे वो दिन के खत्म होने के बाद आपको वापस करना पड़ेगा, आप क्या करेंगे? एक एक पैसे का सही जगह इस्तेमाल, राइट? फालतू खर्च करने की बजाय आप अपनी सारी ख्वाहिशें और जरूरतें पूरी करने में वो सारा का सारा पैसा खर्च कर देंगे ताकि एक भी रुपया आपको वापस ना करना पड़े। फिर हर रोज जब यूनिवर्स का दिया हुआ खजाना आप वेस्ट जाने दे रहे हैं, तब क्यों नहीं सोच रहे हैं वही खजाना, वही दौलत जो हर सुबह वो आपको देती है दिन के पूरे 86,400 सेकंड। बस फर्क इतना है कि वो पैसे के रूप में नहीं है, टाइम के रूप में, जो एक बार चला गया तो वापस नहीं आता। फिर अब सवाल ये है कि क्या आप अपने हर पल का सही इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या आप अपने सपनों को पूरा करने में, अपने रेजोल्यूशंस को पूरा करने में उसे खर्च कर रहे हैं, या हमेशा की तरह आपके रेजोल्यूशंस अधूरे में ही छूट जा रहे हैं? सोचा है कभी ऐसा होता क्यों है? तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे क्यों 90% न्यू ईयर रेजोल्यूशंस साल के शुरुआत में ही टूट जाते हैं, और कैसे कुछ लोग अपने हर एक सपने को एक एक रेजोल्यूशन के जरिए हकीकत में बदल देते हैं। वो कौन से छोटे छोटे बदलाव हैं जो आपको 2025 में सफल बना सकते हैं, और कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन और हमारी आदतें साथ मिलकर मैजिक कर सकती हैं। तो आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो का हर सेकंड वो बदलाव ला सकता है जो आप हमेशा से चाहते थे। सो हेलो एंड वेलकम बैक इन श्रेया एक्सप्लोरर, मैं हूँ आपके साथ श्रेया। बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले हमारी आज की कहानी से। ये कहानी है एलन मस्क की, जिन्होंने निश्चित किया था कि स्पेस एक्स के रॉकेट्स कामयाब होंगे, भले ही कितनी बार असफल होना पड़े। शुरुआती 3 लॉन्च उनके फेल हुए, लेकिन चौथे में उन्हें सफलता मिल गई। तो ऐसा क्या था जो उन्हें हर बार फिर से खड़े होने पर मजबूर करता रहा? ये था उनका मजबूत रीजन और डिसिप्लिन। इसी तरह आप भी अपने गोल्स को हासिल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ चाहने से नहीं, बल्कि सही तरीके से अपने गोल को फिक्स करके और उसको पाने के लिए उसका एक रास्ता बनाइए जो डिसिप्लिन के थ्रू आगे जाएगा। साइकोलॉजी कहती है कि हमारा दिमाग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी कि तुरंत मिलने वाले रिवॉर्ड्स पर केंद्रित रहता है। जब हम बड़े बड़े गोल सेट करते हैं, जैसे मैं ये सोचूं मुझे 10 किलो वजन कम करना है, तो ये इतना दूर का सपना लगता है कि हमारा दिमाग उस पर ध्यान ही नहीं देगा। यही वजह है कि रेजोल्यूशन शुरू होते ही टूट जाते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी भी बताती है कि छोटे छोटे एक्शनेबल गोल्स सेट कीजिए और उन्हें हर दिन पूरा करने से आप ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से रिजल्ट्स पाएंगे। जैसे कि एकदम 10 किलो वजन कम करने की बजाय आप ये सोचिए कि हर हफ्ते सिर्फ 1 किलो वजन ही कम करना है, या महीने में सिर्फ मुझे 3 किलो ही वजन कम करना है। फिर देखिए आपको रिजल्ट हर हाल में मिलेगा। और उसी रिजल्ट को हासिल करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्या रोल है, ये सुनिए। उसकी एक बड़ी सीख है, जैसे आप सोचते हैं वैसे ही आप बनते हैं। लेकिन क्या सिर्फ सोचना काफी है? नहीं, सोच के साथ आपका एक्शन करना जरूरी है। मान लीजिए आपने ये तय कर लिया कि इस साल आप फिट रहेंगे, और छोटे छोटे टास्क भी बना लिए कि हर हफ्ते 1 किलो वजन कम करना है। लेकिन आपको ये विजुलाइज भी करना होगा, आपको पहले ही अपने मन में अपने सपने को पूरा करते हुए देखना होगा, महसूस करना होगा, ताकि आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में दोनों ही जगह आपका गोल फिक्स हो जाए। लेकिन सिर्फ सोचने से भी नहीं होगा, आपको हर दिन वर्कआउट करके, एक्शन करके अपने सपने को सच करना होगा, क्योंकि साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों यही सिखाते हैं कि कंसिस्टेंसी ही असली जादू है। याद है माजी फिल्म का वो डायलॉग, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो जो भी सपना आप देखें, जो भी गोल आप सेट करें, रेजोल्यूशन लें, उसको पूरा करने के लिए आपको हर रोज एक्शन लेना होगा, उसके लिए डिसिप्लिन बनाना होगा। क्योंकि जैसा कि मैं पहले भी और वीडियो में कह चुकी हूँ कई बार, कि मोटिवेशन कमज़ोर पड़ जाता है, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन में रहते हैं तो वो हर वक्त आपको आगे बढ़ाता है। नो मैटर, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन कहते हैं ना कि कोशिश करते रहो तो एक दिन ज़रूर मिलती है। आप मुझे ही देख लीजिए ना, देखिए अभी आप मेरे वीडियो को प्यार दो या ना दो, लेकिन मैं तो हर हफ्ते अपना एक वीडियो लेके कंटिन्यू आपसे मिलने आती रहती हूँ। अब आप और मेरी कोशिश शायद मेरे उस गोल तक मुझे पहुँचा दे,
जिसको हासिल करने के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी चिड़िया की आंख पर नजर गड़ाए बैठी हुई हूँ, जिसको हंट करने के लिए मेरा डिसिप्लिन और मेरी कंसिस्टेंसी टूटनी नहीं चाहिए। तो कोशिश कीजिए इस बार बस एक बड़ा रेजोल्यूशन बनाने की बजाय छोटे छोटे टास्क पर फोकस किया जाए। अगर आप रोज एक कदम भी सही दिशा में बढ़ाते हैं तो यकीन मानिए साल के अंत में आप खुद पर गर्व करेंगे। याद रखें, छोटे छोटे कदम ही बड़े बड़े बदलाव लाते हैं। और जैसे कि एलन मस्क ने कहा था कि अगर कोई चीज़ आपको बहुत ज़रूरी लगती है, बहुत प्यारी लगती है, आप उसे पाना चाहते हैं, तो आप चाहे कितनी भी बार असफल हो, कोशिश करना बंद मत करना। तो अब बारी आपकी है। इस वीडियो में कमेंट करके मुझे ये जरूर बताना कि 2025 के लिए आपका रेजोल्यूशन क्या है, क्या प्लानिंग है आपकी। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना, क्योंकि शायद किसी के लिए ये वही मोटिवेशन हो जिसकी उसे सबसे ज़्यादा तलाश थी। अगले वीडियो में ये बता दूँ कि हम जानेंगे कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं और किसी भी गोल को पा सकते हैं। लगातार मुझसे कनेक्ट बने रहने के लिए श्रेय एक्सप्लोरर को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को टैप कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप उसे देख सके। फिलहाल जाते हैं, फिर एक नेक्स्ट वीडियो में करने आएंगे मुलाकात। जल्द खुश रहिए, मस्त रहिए, खुद से प्यार करते रहिए। राधे राधे।